सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में लगे इंट्रो को तो आपने देख लिया होगा। सेम वैसा ही हम इंट्रो बनाने वाले हैं फ्री में, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। सो आज जो हम इंट्रो बनाने वाले हैं वो काइनमास्टर एप्लीकेशन से बनाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको बिना वाटरमार्क वाले काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। सो यहाँ से हमें एक इंट्रो टेम्पलेट ऐड करना है। सो जो मैं इंट्रो टेम्पलेट ऐड करने वाला हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ आपको भी ऐड कर लेना है। सो गाइस, अपनी गैलरी से इंट्रो टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस वाले साइन पे क्लिक कर देना है। वेल गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूं ये नॉन कॉपीराइटेड है। इसे आप बेफिक्र होकर अपने चैनल इंट्रो के लिए यूज कर सकते हैं, इससे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। इसके बाद गाइस हमें अपने टेम्पलेट को यहां टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है। देन आपको इस प्ले हेड को 2.15 या 2.16 पे कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। इसे आप जब ड्रैग करेंगे तो यहां पे आपको ऊपर टाइमिंग नजर आएगा। सो इसे 2.15-2.16 पे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। सो यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। सो यहाँ अपनी गैलरी से लोगो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको अपने लोगो को कुछ इस तरह से छोटा करना है और यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लोगो का साइज टेम्पलेट जो है यहाँ टाइमलाइन में छोटा है, तो इसे एक्सटेंड करके एंड तक कर लेना है जितना बड़ा हमारा इंट्रो टेम्पलेट है। इसके बाद गाइज हमें अपने लोगो के अंदर एनिमेशंस ऐड करने हैं। सो एनिमेशंस ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में इन एनिमेशंस पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको स्केल अप करके एक एनिमेशन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसकी टाइमिंग को 0.5 कर देना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अपने चैनल का नेम ऐड करना है। सो नेम ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस प्ले हेड को जहाँ से हमारा लोगो शुरू हो रहा है उसके थोड़े पीछे लाना है, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ से अपने चैनल का नेम ऐड कर लें। नेम ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, देन आपको अपने चैनल नेम को नीचे ड्रैग करके यहाँ लाना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ डबल ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको इसी एंड्रॉयड वाले सेक्शन में बाय डिफॉल्ट जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ये आपको काइनमास्टर में ही मिल जाएगा। सो यहाँ आपको रोबोट ब्लैक करके एक फॉन्ट मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, फॉन्ट चेंज करने के बाद हमें अपने टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से फेड वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, लोगो और नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इफेक्ट ऐड करने हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको अपने इस प्ले हेड को जहाँ से आपका लोगो शुरू हो रहा है यहाँ पे लाना है और यहाँ आपको लेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप लेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सो यहाँ पे आपको स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्टिकर्स दिख रहे हैं आपके, हो सकता है काइनमास्टर में ये स्टिकर ना हो, तो ये आपको स्टोर मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करके यहाँ इस वाले सेक्शन में डेकोरेटिव पे आना है। जैसे आप डेकोरेटिव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जो जो स्टिकर मैं बोल रहा हूँ वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से सीमर वाले स्टिकर को मैं यूज कर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ सो यहाँ पे ये थोड़ा हाईलाइट नहीं है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। देन आपको यहाँ पे बैक हो लेना है और फिर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट ब्राइटनेस करके स्टिकर मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और इसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोनों को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक हो लेना है और यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अब आपके जो भी स्टिकर होंगे डाउनलोड किए हुए वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ सीमर वाले स्टिकर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से इस रिंग को सेलेक्ट कर लेना है। रिंग को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी लेंथ को एंड तक कर लेना है, यहाँ जो हमारा टेम्पलेट का साइज है उसके बराबर, और हमें इसे छोटा कर लेना है। इस रिंग को छोटा करके जितना बड़ा हमारा लोगो है उसके बराबर कर लेना है। कुछ इस तरह से अपने लोगो के बराबर करने के बाद हमें अपने इस स्टिकर के अंदर भी एनिमेशन ऐड करने हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से हम सेम स्केल अप वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, देन आपको इसकी टाइमिंग को 0.5 कर देना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। वेल, इसके बाद हमें एक और एनिमेशन ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इस प्ले हेड को थोड़ा सा यहाँ पे लाना है ड्रैग करके 3.6 पे, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ स्टिकर पे क्लिक करना है। इस बार हम यहाँ से इनफाइनाइट ब्राइटनेस वाले स्टिकर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस वाले स्टिकर को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद सिंपली आपकी इसकी लेंथ को यहाँ से ड्रैग करके इसके बराबर कर लेना है एंड तक, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद गाइस जो हमने अभी इनफाइनाइट ब्राइटनेस करके स्टिकर ऐड किया इसको सेलेक्ट करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस एक और स्टेप बचा हुआ है, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको वीडियो फेड आउट को इनेबल कर देना है, देन आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा इंट्रो बन चुका है, इतना कुछ मैंने आपको बताया, इतना कुछ करने को बोला। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि आखिर हमारा इंट्रो बना कैसे है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंट्रो रेडी हो चुका है, अब हमें इसे सेव कर लेना है। सो सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ इस एरो पे क्लिक करना है, देन आप इस जिस भी रेजोल्यूशन में चाहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा 1080p सेलेक्ट करके यहाँ से बीट रेट को हाई कर दे, देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस होप कि अब आप भी अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल सा इंट्रो बनाना सीख गए होंगे। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। सो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।